हेलो वीवर्स वेलकम टू शानू कटन सी एस क्लासेस इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बहुत से क्वेश्चन आते हैं गेट में एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स लाइक थ्री टू वन एंड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स एंड ये जो कैटेगरीज हुई हैं वो किस बेसिस पे की गई ऑन द बेसिस ऑफ द सी पी ओ ऑ यूज सो इसे भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में सो so, चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो so सब्सक्राइब कर लें अच्छा लगे तो लाइक like, शेयर भी करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखने से पहले हम जस्ट ओवरव्यू ले, ले लेते हैं व्हाट इज इंस्ट्रक्शन ओके सो वी नो व्हाट इज प्रोग्राम्स लाइक हम सी में प्रोग्राम्स लिखते हैं प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ओके लाइक सी में हम मेन के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ओके लाइक हम इनपुट के लिए वेरिएबल डेफिनेशन के लिए दैन अगर हमें एडिशन परफॉर्म करना है तो इसी ईक्ल्स टू ए प्लस बी लिखते हैं देन रिजल्ट शो करने के लिए लिखते हैं देन उसे क्लोज कर देते हैं सो दिस इज़ अ प्रोग्राम एंड इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाउ वट इज दिस इंस्ट्रक्शन सो इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन लाइक प्रिंटिंग टेकिंग इनपुट्स और परफॉर्मिंग सम एडिशन अब्सट्रैक्शन और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन देन हमें इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है और इंस्ट्रक्शन इज नथिंग इट्स जस्ट अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर विच टेल्स दैट कंप्यूटर हैज़ टू परफॉर्म सच एंड सच स्पेसिफिक फंक्शंस ओके सो इंस्ट्रक्शंस को अगर हम टेक्निकली बात करें तो इंस्ट्रक्शंस बैनरी फॉर्मेट में होते हैं विच इज़ अ ग्रुप ऑफ बिट्स ओके सो एंड इंस्ट्रक्शन इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स ग्रुप ऑफ बिट्स किस में बैनरी कोड में दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ओके ना वट इज़ द परपज ऑफ द इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन ये बताता है कि क्या ऑपरेशन सी पी यू को परफॉर्म करना है एंड ये जो ऑपरेशन है वो किस डेटा परफॉर्म करना मीन्स ऑन विच सेट ऑफ ऑपरेश्स ये परफॉर्म करना है सो दिस इज द पर्पज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन टू स्पेसिफाई बोथ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म बाय द सी पी यू एंड द सेट ऑफ ऑपरेंट्स सो ऑपरेशन परफॉर्म करना मीन्स ऑपरेशन लाइक एडिशन मल्टीप्लीकेशन या शिफ्ट ये ऑपरेशन में आते हैं और ये ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होते हैं दे आर परफॉर्मड ऑन द डेटा एंड डेटा और कॉल ऑपरेंस ओके ऑपरेंस अगर हम बात करें जब हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में देखेंगे सो so ऑपरेंस में इनपुट डेटा भी आ जाता है जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट जहाँ स्टोर होंगे उसे भी हम कहते हैं ऑपरेंस ओके ना वट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वी नो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कमांड्स होते हैं विच टेज द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन अब कंप्यूटर में ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं ओके सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज़ अ बाइनरी फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन का जो बाइनरी फॉर्मेट होता है उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट विच स्पेसिफाइज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन ओके सो एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज़ अ बाइनरी फॉर्मेट विच स्पेसिफाइज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट फॉर्मैट कैसे शो करते हैं बिट्स के फॉर्म में शो करते हैं इंस्ट्रक्शंस के जो बिट्स होते हैं बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस उसे हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में और ये ग्रुप्स को हम कहते हैं फील्ड्स लाइक अगर एक ये इंस्ट्रक्शन है सो so एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा होगा बैनरी में सो so इसे हम सपोज डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड कर देते हैं एक फील्ड होगी मोड एक फील्ड एक फील्ड होगी ऑपकोड दूसरी होगी एड्रेस सो so, अगर हम कॉमन फील्ड्स की बात करें तो दीज आर द कॉमन फील्ड्स जो कि मोस्टली सभी इंस्ट्रक्शंस में होती है ऑपरेशन कोड रहता ही है एड्रेसेस भी जनरली रहता है एंड मोड भी मोस्टली होता है सो so, इसके अलावा और भी फील्ड्स होती हैं बट जो कॉमन फील्ड्स होती हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में वो हम यहाँ पर डिस्कस करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो फर्स्ट फील्ड है ऑप कोड ऑप कोड मीन्स इट इज़ अ ऑपरेशन कोड ओके अभी हमने देखा ऑपरेशन क्या होते हैं लाइक एडिशन ऑब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन शिफ्ट कॉम्प्लीमेंट ये सारे ऑपरेशन हैं तो इन ऑपरेशन्स को जब हम बैनरी फॉर्मेट में रिप्रजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं ऑप कोड ओके लाइक अगर एडिशन करना है तो एडिशन के लिए हमने कोड दे दिया 001 ज़ीरो के लिए कोड दे दिया 010 वन जीरो सो हर इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ कोड होता है बैनरी में तो दैट कोड इज कॉल्ड ऑपरेशन कोड इन शॉर्ट ऑप कोड हम कहते हैं ओके okay? सो so, ये ऑप कोड क्या स्पेसिफाई करता है ऑप कोड फील स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म कि कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म होती है ओके सो दीज आर सम काइंड ऑफ ऑपरेशन न ये जो ऑपरेशन होते हैं ये ऑपरेशन जैसे हम ऑपकोड से इंडिकेट करते हैं बैनरी में ये किस पे परफॉर्म होते, है? पर होते हैं पे परफॉर्म होते हैं ओके अब ऑपरेंस मीन्स कुछ डेटा होगा लाइक like, अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो एडिशन आपको किसी पे परफॉर्म करना होगा ना सो ए प्लस भी आप अगर परफॉर्म करते हैं so a and b are operands and this is operation okay so jab ye dono add honge tab aapka operation perform hoga so agar hum ye instruction show karna chahte a plus b so hame op code mein kya lena hoga addition lena padega that is operation code uska binary form and in operands को हमें specify करना पड़ेगा इस field में means ये वाली field क्या है address field in operands का कुछ ना कुछ address होता है ठीक है ये ऑपरेंट कहाँ स्टोर है ये ऑपरेंट्स मेमोरी में भी स्टोर हो सकते हैं ये ऑपरेश्स प्रोसेसर रजिस्टर में भी स्टोर हो सकते हैं सो ये एड्रेस से पता चलता है कि एक्चुअली हमारे जो ऑपरेंट्स है जिस पे हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कहाँ स्टोर है तो सेकेंड फील्ड जो हमें स्पेसिफाई करनी है दैट इज एड्रेस ओके तो एड्रेस फील्ड क्या स्पेसिफाई करता है एड्रेस फील्ड स्पेसिफाइज अ मेमोरी एड्रेस और अ प्रोसेसर रजिस्टर किसका वेयर द ऑपरेंट इज स्टोर्ड नौ थर्ड फील्ड होती है मोड मोड फील समटाइम्स होती है समटाइम्स नहीं होती है मोड क्या होता है ये स्पेसिफाई करता है द वे द ऑपरेंट और द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट इज डिटमाइंड मीन्स ये ऑपरेंट का जो एड्रेस है ये किस तरीके से हम इसके थ्रू ऑपरेंट को फाइंड आउट करेंगे ये मोड बताता है मीन्स ये एड्रेस डायरेक्ट एड्रेस भी हो सकता है या इनडायरेक्ट एड्रेस भी हो सकता है ये रजिस्टर डायरेक्ट भी हो सकता है या रजिस्टर इनडायरेक्ट भी हो सकता है तो डिफरेंट काइंडस के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so मोड ये बताता है कि हाउ टू लोकेट दैट ऑपरेंट कि वो कहाँ पे है अगर हम यहाँ पे कुछ एड्रेस दे रहे हैं क्या ये एड्रेस डायरेक्टली हमें ऑपरेंट तक ले जाएगा या इस एड्रेस पे जाने से हमें एक और एड्रेस मिलेगा देन उस एड्रेस पे जाके हमें ऑपरेंट मिलेगा विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ओके सो इट स्पेसिफाइज अ वे द ऑपरेंट इज़ डिटमाइंड और द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट इज डिटमाइंड इफेक्टिव एड्रेस मीन्स जिस एड्रेस पे जाके हमें ऑपरेंट मिलता है दैट इज़ इफेक्टिव एड्रेस सो दिस इज़ अ बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जिसमें हम मोड फील्ड को देख रहे हैं ओके अब हम देखते हैं कि जनरली क्या होता है कंप्यूटर्स में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अलग अलग लेंग्स के होते हैं अलग अलग लेंग्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लेंग्स के होते हैं इंस्ट्रक्शन ऐसा क्यों होता है बिकॉज उसमें वेरिंग नंबर ऑफ एड्रेसेस होता है मींस कुछ इंस्ट्रक्शंस थ्री एड्रेस कंटेन करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस टू एड्रेसेस रखते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस वन एड्रेस रखते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जीरो एड्रेस रखते हैं सो बिकॉज ऑफ द वेरिंग नंबर ऑफ एड्रेसेस हर इंस्ट्रक्शन का अलग अलग लेंथ हो सकता है कंप्यूटर्स में ओके सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं द नंबर ऑफ एड्रेस फील्स इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मैट ऑफ अ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स रजिस्टर मीन्स एक इंस्ट्रक्शन में कितने नंबर ऑफ एड्रेस हम यूज़ करेंगे वन एड्रेस यूज़ करना है टू एड्रेस थ्री एड्रेस कितने नंबर ऑफ़ एड्रेस यूज़ करना है ये किस पर डिपेंड करता है कि उनके रजिस्टर्स का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ओके okay, अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रजिस्टर्स एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस तरह का वो कम्प्यूटर है सो so, बहुत से कम्प्यूटर्स होते हैं मोस्ट कंप्यूटर्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं सो वी कैन से देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सी पी ओ ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट कंप्यूटर फॉल इंटू वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ सी पी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल एक्यूमलेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन तो ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसे डिटेल में देखेंगे ना इसी के बेसिस में क्या होता है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इसे अगेन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डिटेल में अभी जस्ट एक ओवरव्यू के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि कितने टाइप्स के सी पी ओ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये अलग से एक टॉपिक है जिसे एग्जाम्स में अलग से भी पूछता है एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस या टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कितने टाइप्स के होते हैं इट इज़ जस्ट एन ओवरव्यू इन दिस स्लाइड सो ये फोर टाइप्स के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एड्रेसेस अब ये जो थ्री एंड टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन सिंगल एक्यूमलेटर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं एंड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं ओके अब ये जो सी पी ऑर्गेनाइजेशन है तीन तरह के ये क्या हैं और ये किस तरीके से होते हैं ये हम देखेंगे सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी विल सी बेस्ड ऑन सी पी यू ऑर्गेनाइजेश फर्स्ट इज सिंगल एक्यूमलेटर ऑर्गेनाइजेशन दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट ये सिंगल uh, क्वेश्चन भी आता है समटाइम्स एग्जाम में वो इस तरीके से आता है कि वट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सी पी ओ ऑर्गेनाइजेशन सो हम इन सी पी ओ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये देख रहे हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स यूज होते हैं इंस्ट्रक्शन के अगर हमें ये ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ जाएगा देन वी कैन एक्चुअली रिलेट द डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स सो इफ वी सी सिंगल एक्यूमलेटर ऑर्गेनाइजेशन सिंगल एक्यूमलेटर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल एक्यूमलेटर रजिस्टर यूज होता है ओके okay. सो so, सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो किस में होते हैं एक्यूमलेटर रजिस्टर में ही होते हैं नाउ जो भी ऑपरेशंस होते हैं दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन एन एम्प्लाइड एक्यूमलेटर रजिस्टर ओके इम्प्लाइड मतलब क्या होता है इम्प्लाइड मतलब ये होता है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसमें जो ऑपरेशन होगा वो बाई डिफॉल्ट हम ये मानेंगे एक्यूमलेटर रजिस्टर में ही है सो so, उसे हमें स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है दैट्स वाई हम इसे कह रहे हैं इम्प्लाइड इम्प्लाइड मीन्स वो ऑटोमेटिकली एक्ूमलेटर में ही रहेगा सी पी यू को ये पता है तो अलग से स्पेसीफाई करने के लिए नीड नहीं है कि भाई एक एड्रेस एक्यूमलेटर का है ओके okay. ना इसकी वजह से क्या होता है बिकॉज एक आ, हम इम्प्लिसिटली uh, यूज़ कर रहे हैं एक्यूमलेटर को ऑपरेंट इम्प्लीसिटली एक्यूमलेटर में ही रहेंगे उसे हमें एक्यूमलेटर का एड्रेस स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है तो इससे क्या होगा इट मिनिमाइज दी इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मशीन एंड इसकी वजह से शॉर्ट इंस्ट्रक्शन बनेंगे ऑटोमेटिकली अगर हम एक एड्रेस डिफाइन नहीं कर रहे हैं एक्यूमलेटर का जो कि ऑलरेडी इम्प्लाइड है तो हमारा इंस्ट्रक्शन शॉर्ट हो जाएगा एक एक एड्रेस कम हो जाएगा ओके okay, सो so इस तरह के सिस्टम्स में जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है इट यूजेस ओनली वन एड्रेस फील्ड एक ही एड्रेस फील्ड का यूज़ करती है दैट्स व्हाई वी कैन से यहाँ पे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज़ होता है फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रक्शन देखिए सिंगल एक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जैसा यूज़ होता है लोड एक्स लोड एक्स क्या करता है अब एक्स क्या है एक्स एक ऑपरेंड है और हम कह सकते हैं ऑपरेंड का एड्रेस है ये ठीक है इसके साथ इसे हमें लोड करना है ये नहीं लिखा है कि कहाँ लोड करना है बिकॉज इट इज़ इम्प्लाइड कि ये कहाँ लोड होगा एक्ूमलेटर में ही लोड होगा तो एक्यूमलेटर में अगर सिंगल एक्यूमलेटर रजिस्टर है सो तो उसमें हमें स्पेसिफाई करने की नीड ही नहीं है तो इम्प्लाइड है वो दिस स्पेसिफाइज द मेमोरी लोकेशन एक्स सो मेमोरी लोकेशन एक्स में जाके जो ऑपरेंड है उसे हमें लोड करना है एक्यूमलेटर में ओके सो यहाँ पे हम सिंगल एड्रेस ही यूज़ कर रहे हैं एक एड्रेस है जो कि ऑपरेंड का बस बता रहे हैं दूसरा एक्यूमलेटर का एड्रेस नहीं देते हैं लाइक एडिशन करना है अगर हमें एक्स में जो वैल्यू है उसे ऐड करना है एक्यूमलेटर के साथ तो इस तरीके से हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन बताएंगे जिसमें एक ही एड्रेस है ओके okay? सो so, अब एक तो ऑपरेंट हमारा मेमोरी लोकेशन एक्स में है दूसरा ऑपरेंट हम ये मान रहे हैं ऑटोमेटिकली कहाँ है एक्यूमलेटर में अब रिजल्ट कहाँ स्टोर हो रहा है ये भी हम नहीं बताएंगे ये भी ऑटोमेटिकली कहां स्टोर होगा एक्यूमलेटर में ही स्टोर होगा दिस इज हाउ एड इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स इन दिस सिंगल एक्यूमलेटर ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से इन वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक और लास्ट अगर देखे अगर हमें स्टोर करना कोई वैल्यू स्टोर वाई स्टोर वाई मीन्स ये जो यहाँ ऑपरेंड है ये हमारा डेस्टिनेशन बता रहा है कि एक्यूलेटर की वैल्यू हमें कहाँ से स्टोर करनी है मेमोरी लोकेशन Y में ओके सो दिस इज द सिंगल एक्मलेटर ऑर्गेनाइजेशन दूसरा हम देखते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है सेट ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर्स जनरल पर्पज रजिस्टर्स लाइक आर जीरो आर वन आर टू आर थ्री लाइक दिस एंड ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल्स है फॉर मशीन आर्किटेक्चर टूडे सो ये आर्किटेक्चर मोस्टली यूज़ किया जाता है सिंगल एक्यूबलेटर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ होता था बिकॉज इन दैट टाइम रजिस्टर्स वॉज वेरी एक्सपेंसिव रजिस्टर्स एक्सपेंसिव थे तो यहाँ पे सिंगल एक्यूबलेटर रजिस्टर यूज़ होता था ओके सो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ हम हपरेंट्स को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करते हैं मीन्स रजिस्टर लाइक यहाँ पे एम्प्लाइड था तो यहाँ एम्प्लाइड नहीं होता यहाँ आपको अलग से बताना पड़ेगा कि किस रजिस्टर्स का आप यूज़ कर रहे हैं सो so, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में टू और थ्री एड्रेस फील्ड्स होते हैं ओके okay? सो so, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे वन एड्रेस फील होती है यहाँ पे टू एड्रेस एंड थ्री एड्रेस फील्ड्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करना इट्स अप टू यू सो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज़ होता है टू और थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ठीक है एग्जाम्पल के लिए देखते हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन मीन्स वी कैन सी कि यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री ये तीन एड्रेसेज हैं और इसे अगर हम इक्विवेलेंट रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन में शो करें तो इस तरीके से शो होगा यह R2 की वैल्यू ऐड हो रही है R3 के साथ देन द रिजल्ट इज स्टोरिंग इन टू रजिस्टर आर अब अगर हमें इसे रिड्यूस करना है तो हम चाहे तो इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में तो दिस कैन बी रिड्यूज फ्रॉम थ्री टू टू एड्रेसेस अगर डेस्टिनेशन रजिस्टर को हम सेम रखते हैं वन ऑफ़ द सोर्स रजिस्टर से सो so, अगर हम टू एड्रेस में लिखे इसे तो एड आर वन आर टू हम लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ वन ऑफ द सोर्स इज़ आर वन इट इज़ एडेड विथ रजिस्टर आर टू एंड द रिजल्ट इज अगेन स्टोरिंग इन टू आर वन ठीक है तो डेस्टिनेशन रजिस्टर सेम हो सकता है किसी एक सोर्स रजिस्टर से तो इस केस में आप टू एड्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं सो थ्री एंड टू एड्रेसेस कम्स अंडर जनरल रजिस्टर ऑर्गनाइजेशन वैसे ही मूव आर वन आर टू यहाँ पर भी टू एड्रेसेज मीन्स आर टू की वैल्यू ट्रांसफर हो रही है आर वन में वैसे ही एड आर वन एक्स यहाँ पर हम मेमोरी लोकेशन एक्स की वैल्यू को एड कर रहे हैं आर वन के साथ देन उसे वापस कहाँ स्टोर कर रहे हैं आर वन में ठीक है सो ये आपका सोर्स हुआ और ये सोर्स भी है प्लस डेस्टिनेशन भी है अब ये जो एड्रेसेज हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में जो हम एड्रेसेस ले रहे हैं ये रजिस्टर का भी एड्रेस हो सकता है ये मेमोरी का भी एड्रेस हो सकता है लाइक यहाँ हम देख रहे हैं ये मेमोरी एड्रेस है ये प्रोसेसर रजिस्टर है सो ईच एड्रेस फील में स्पेसिफाई प्रोसेसर रजिस्टर और मेमोरी ऑपरेंट दिस इज इम्पॉर्टेंट लास्ट वन है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेंट्स होते हैं वो स्टैक में हम पुट करते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ स्टैक यूज़ हो रहा है और स्टैक में हम क्या करते हैं सब चीज़ें यहाँ से स्टैक में डालते हैं वन बाई वन ये इसमें पुश होती है सो so, सारे ऑपरेशन को हम इसमें पुश करते हैं ठीक है पुट करते हैं स्टैक में एंड जो ऑपरेशन होते हैं वो टॉप ऑफ द स्टैक में कैरी होते हैं जो एलिमेंट टॉप में रहता है वहाँ से हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सो so, ऑपरेंट हमें स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है कि भाई इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करिए बिकॉज टॉप ऑफ द स्टैक में जो भी रहेगा उस पे ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा सो वी कैन से द ऑपरेंट्स आर इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक ओके सो दिस इज वॉट टॉप ऑफ द स्टैक क्योंकि सारे ऑपरेशन वहीं परफॉर्म होने हैं सो so, हमें अलग से स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है कि किस पे परफॉर्म होना है तो यहाँ पे एड्रेस फील्ड की भी नीड नहीं है सो इट डज नॉट यूज एन एड्रेस फील्ड ठीक है फॉर इंस्ट्रक्शंस लाइक एड मल्टीप्लाई सो इसलिए हम कहते हैं इट यूज ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉरमैट सो अगर हमें ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर से दो एलिमेंट लेगा और उन दोनों को ऐड करेगा वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई दैट्स वाई नो एड्रेस वील इज रिक्वायर्ड या बट अगर हमें स्टैक के साथ कम्युनिकेट करना है लाइक like हमें अगर इसमें एलिमेंट्स को पुश करना है इसमें से एलिमेंट्स को पॉप करना है तो वी नीड टू इंस्ट्रक्शंस पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस ठीक है जो कि कम्युनिकेट करते हैं स्टैक से बट दे रिक्वायर एड्रेस फील बिकॉज वट वी वॉन्ट टू पुश यह हमें बताना पड़ेगा वट वी वॉन्ट टू पॉप यह हमें बताना पड़ेगा तो वी नीड एड्रेस ओके एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट फॉर एग्जाम्पल पुश ए यह क्या करेगा पुश करेगा स्टैक में पुश बी अगेन लाइक पुश ए में ए आ गया स्टैक में देन पुश बी में बी आ गया स्टैक में एड में टॉप में बी है तो ये दोनों एड हो गए और जो एडिशन है उनका वो आ जाएगा पॉप में फिर वो पॉप हो जाएगा ओके सो पुश मतलब स्टैक में आपको डालना एंड पॉप मतलब स्टैक से बाहर निकालना सो वी कैन सी एड में यहाँ पे कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं है ओके ओनली ऑप कोड यहाँ पे है नो एड्रेस फील्ड इज देयर क्लियर सो टू नंबर्स ऐड कैसे होते हैं टॉप के टू नंबर्स निकालेगा उन्हें ऐड करेगा देन उनके सम को पुश करेगा स्टैक में सो दिस इज़ आउ स्टैक ऑर्गेनाइजेशन परफॉम्स नाओ जो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स होते हैं वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में होते हैं बट बहुत से कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो कि इन सभी के फीचर्स को या किसी दो के फीचर्स को कम्बाइन करके बनाए जाते हैं नाउ नेक्स्ट वी विल सी द इम्पॉर्टेंट वन दैट इज़ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मैट्स जो कि यूनिवर्सिटी uh, एग्जाम्स में आता है थेरेटिकल क्वेश्चन भी आता है समटाइम्स इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए देता है आपको कोई एक्सप्रेशन uh, दे देता है एंड यू हैव टू शो इन थ्री एड्रेस टू एड्रेस वन एड्रेस एंड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स एंड वी कैन से इट इज अ टाइप ऑफ एड्रेस इंस्ट्रक्शंस ओके सो थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है देर इज वन ऑप कोड जैसा कि सभी इंस्ट्रक्शन में होता है ऑपरेशन कोड सिंगल ही होता है बिकॉज इट इज अ थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन तो इट कंटेन्स थ्री एड्रेसेज वन टू एंड थ्री सो दैट्स वाईड थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मैट अब इसमें से क्या होता है एक एड्रेस होता है डेस्टिनेशन एड्रेस बाकी दो होते हैं सोर्स एड्रेस ठीक है मीन्स ये सोर्स ऑपरेंट के एड्रेसेज हैं देन इन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है और जो रिजल्ट होता है वो डेस्टिनेशन एड्रेस में स्टोर होता है सो थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मैट हैज थ्री एड्रेस फील्ड वन एड्रेस फील्ड इज यूज फॉर डेस्टिनेशन एंड टू एड्रेस फील्ड आर यूज फॉर सोर्स ओके नाउ ईच एड्रेस फील्ड ये जो एड्रेस फील्ड्स होती हैं इट मे स्पेसिफाई अ प्रोसेसर रजिस्टर ये प्रोसेसर रजिस्टर भी हो सकता है या मेमोरी ऑपरेंट भी हो सकता है ओके okay? हम प्रोसेसर रजिस्टर्स लाइक हमारा ऑपरेंट कहाँ है आर वन आर टू में है हमें रिजल्ट कहाँ स्टोर करना लाइक like दिस प्रोसेसर रजिस्टर्स हो सकते हैं मेमोरी ऑपरेशन लाइक एक्स वाई या ए बी सी आप जो भी लोकेशंस यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ मेमोरी ऑपरेंट से हम इस तरीके से शो करते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमने देखा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में दो कैटेगरीज आती थ्री एड्रेसेज एंड टू एड्रेसेज सो थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन को हम और क्या कहते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल लाइक एड आर वन आर टू आर थ्री ये हम देख रहे हैं ये एक असेंबली लैंग्वेज का नोटेशन है और इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन यहाँ पे शो ना है सो so, ये क्या कर रहा है यहाँ पे R2 टू इज एडेड

ये तो प्रोसेसर रजिस्टर है बट ये दोनों क्या है मेमोरी ऑपरेंस और जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा आपको इस तरीके के इस फॉर्म में आएगा आप जब सॉल्व करें तो इसे आप कन्वर्ट कर ले इसके इक्वलेंट रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन में तभी आपका सही से सॉल्व होगा अदरवाइज गलती होने के चांसेस रहते हैं ओके इस थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं एडवांटेजेस ये है कि इस एडिशन को हम एक ही लाइन में हमने लिख दिया सो शॉर्ट प्रोग्राम्स बनेंगे इससे रिजल्ट इन शॉर्ट प्रोग्राम्स वैन इवेलुएटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बट डिस क्या है बिकॉज हमने थ्री एड्रेस यूज किया है तो इस इंस्ट्रक्शन में देर आर टू मैनी बिट्स ठीक है टू स्पेसिफाई द्री एड्रेस जो कि इसे कॉम्प्लेक्स बनाता है इसे हैंडल करने में भी मैनिपुलेट करने में भी नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू इवेल्युएट दिस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी इसी एग्जाम्पल को हम uh, बाकी अदर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स में भी देखेंगे अगर हम थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन से इसे सॉल्व करते हैं तो ये कैसे होगा सबसे पहले यू you नो know कि कोई भी इंस्ट्रक्शन कैसे परफॉर्म होता है इसमें हमें परफॉर्म क्या करना है ए प्लस बी परफॉर्म करना है तो वी नीड टू फेच फर्स्ट वी हैव टू फेच द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन ए एंड बी फ्रॉम द मेमोरी देन इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेसर के पास जहाँ पे वो क्या परफॉर्म करेगा सम परफॉर्म करेगा तो सबसे पहले हमने ए एंड बी को फेच किया देन दोनों में सम परफॉर्म किया दैट इज ए प्लस बी देन इनका रिजल्ट हम वापस मेमोरी में भेजेंगे एंड स्टोर कर देंगे इन लोकेशन सी इस तरीके से ये परफॉर्म होता है अब अगर थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे सिंपली एक लाइन का कोड होगा एड सी जो कि डेस्टिनेशन है एंड सोर्स वन क्या है ए एंड सोर्स टू क्या है हमारा बी ओके okay? इसका इक्वलेंट जिस्टर ट्रांसपोर्टेशन होगा मेमोरी लोकेशन ए वैल्यू विलेड विध मेमोरी लोकेशन बी वैल्यू एंड द रिजल्ट इज टोड इन टू मेमोरी लोकेशन सी सो यहाँ पे हमारे तीनों ही मेमोरी ऑपर नक्शन को देखते हैं हियर वी कैन सी दिस इज दूर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जिसमें हम देख रहे हैं इज वन ऑफ कोड एंड देर आर टू एड्रेस वन एंड टू सो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन ये मोस्ट कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है इन कमर्शियल कंप्यूटर्स इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शनस काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ठीक है तो हम थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर, so uh, कर सकते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सो इट हैज़ टू एड्रेस फील्ड्स और यहाँ पे भी सेम ईच एड्रेस फील्ड में स्पेसिफाई प्रोसेसर रजिस्टर एंड मेमोरी ऑपरेट सेम एड इंस्ट्रक्शन को हम दो एड्रेसेस से भी परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें से एक ऑपरेंट हमारा सोर्स रजिस्टर है और उसी को हम एज अ डेस्टिनेशन भी यूज़ कर रहे हैं ओके सो आर वन की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं आर टू के साथ तो यहाँ हमारा ये सोर्स है एंड आर वन हमारा सोर्स भी है प्लस हमारा डेस्टिनेशन भी है ओके okay, सो so ये एड होने के बाद वापस कहाँ स्टोर हो रहा है दोनों का सम आर वन में मूव आर वन आर टू ये भी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे हम आर टू की वैल्यू को मूव कर रहे हैं आर वन में सो दिस इज़ टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेम अगर हमें इवेलएट करना है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी इसे हम कैसे लिखेंगे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमें टू लाइन का कोड लगेगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा किसी एक वैल्यू को लाइक like ए को हम क्या कर दे रहे हैं मूव कर दे रहे वी विल मूव ए टू सी जो कि हमारा डेस्टिनेशन uh, है जहाँ हमें सेव करना है सम को सो हम मेमोरी लोकेशन ए की वैल्यू जो है उसे स्टोर uh, कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे सी में देन सी में क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ए है यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ए की वैल्यू है तो हम ए को ऐड कर देंगे इस बी के साथ एंड दोनों का सम वापस स्टोर कर देंगे मेमोरी लोकेशन सी में सो दिस इज हाउ वी कैन राइट इसमें हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं जनरली सो एक वैल्यू हमने मूव करा दी पहले सी में अब सी में हमारे पास ए की वैल्यू आ गई बिकॉज सी में ऑलरेडी क्या कंटेन है ए की वैल्यू है सी ए प्लस बी करेंगे रिजल्ट वापस सी में स्टोर कर देंगे क्लियर है नेक्स्ट इज वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में वी कैन सी देर इज ओनली वन एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट सो दिस इज़ वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन जिसमें एक ऑपकोड है और एक एड्रेस होता है ये जो ऑपरेंट एड्रेस है ये सोर्स का भी एड्रेस हो सकता है ये डेस्टिनेशन का भी एड्रेस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन की किस तरह का इंस्ट्रक्शन है ओके सो इट हैज़ वन एड्रेस फील एंड द ऑपरेंट स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन मे बी द सोर्स और डेस्टिनेशन डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन इस तरह का अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहाँ यूज़ होते हैं सिंगल एक्यूमलेटर ऑर्गेनाइजेशन में सो so इसे हम सिंगल एक्यूमलेटर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं सो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या यूज़ हो रहा है इट यूजेज इम्प्लाइड एक्यूमलेटर रजिस्टर ये इंपॉर्टेंट है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है इंप्लाइड एक्यूमलेटर रजिस्टर फॉर ऑल डेटा मैनिपुलेशन सारे डेटा मैनिपुलेशन के लिए एक्यूमलेटर रजिस्टर का यूज़ करता है जिसे हम शॉर्ट में ए सी कहते हैं इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है इम्प्लाइड मीन सी पी यू को ऑलरेडी पता है कि वन ऑफ द ऑपरेंट इज इन द दूमलेटर सो नो नीड टू स्पेसिफाई इट ओके सो सारे ऑपरेशन अब जो होते हैं वो किसके किसके बीच होते हैं एक्यूमलेटर के बीच होते हैं और मेमोरी ऑपरेंट के बीच होते हैं बिकॉज यहाँ पे एक रजिस्टर ही होता है और दैट रजिस्टर इज एक्यूमलेटर रजिस्टर और एक्यूमलेटर क्या है इंप्लाइड है तो इसे हमें स्पेसिफाई नहीं करना है ओके फॉर एग्ज़ाम्पल एड एक्स एड एक्स में हमने देखा सिर्फ एक्स ही एक ऑपरेंट है यहाँ पे मीन्स एक ही एड्रेस है यहाँ पे और दूसरा हमारा एडिशन किसके साथ परफॉर्म करना है स्पेसिफाइड नहीं है मीन्स एक्यूमलेटर में है दूसरा ऑपरेंट सो so, एक ऑपरेंट हमारा इम्प्लाइड है एक्यूमलेटर में दूसरा हम स्पेसिफाई कर रहे हैं जो कि मेमोरी लोकेशन एक्स में है सो so, दोनों को ये ऐड करेगा वापस रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है एक्यूमलेटर में ही स्टोर होता है दिस इज़ हाउ वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न एंड कैलकुलेटेड ना सेम अब हम इवेल्यूएट करेंगे सीक्वल्स टू ए प्लस बी को वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन से सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा सो so सबसे पहले हमें क्या करना है ए की वैल्यू कोई भी एक ऑपरेंट को हम एक्यूमलेटा में लोड कर लेंगे सो वी विल लोड ए इन टू एक्ूमलेटा सो इसको हम लोड इंस्ट्रक्शन के थ्रू करते हैं सो so होगा क्या मेमोरी लोकेशन ए की वैल्यू लोड हो जाएगी एक्यूमलेटा में ओके okay? अब ए की वैल्यू हमें मिल गई एक्ूमलेटा में सो so, अब हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ऐड बी मीन्स बी को ऐड करना है एक्यूमलेटर के साथ और एक्यूमलेटर में हमें मालूम है ऑलरेडी ए की वैल्यू है सो ए प्लस बी परफॉर्म हो जाएगा अब ए प्लस बी एड होके आ गया एक्यूमलेटर में अब हमें सेव कहाँ करना है सी में स्टोर करना है सो so, अब एक्यूमलेटर में जो डेटा है उसे हमें लोकेशन सी में डालना है तो उसके लिए हम स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं स्टोर क्या करता है एक्यूमलेटर की वैल्यू को डालता है मेमोरी लोकेशन सी में ठीक है सो so, ये ध्यान रखें लोड एंड स्टोर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन आर यूज फॉर ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम मेमोरी टू एक्यूमलेटर रजिस्टर अगर आपको मेमोरी और एक्यूमलेटर के बीच में ट्रांसफर करना है तो वी यूज लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन लोड इंस्ट्रक्शन क्या करता है यहाँ पे लोड के साथ जो भी ऑपरेंड है ये हमारा सोर्स ऑपरेंड है ओके okay? ये हमारा सोर्स ऑपरेंड है ऑपरेंड सोर्स ऑपरेंट एंड ये जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे हमारा क्या है डेस्टिनेशन इज इम्प्लाइड दूमलेटर जो कि हम स्पेसीफाई नहीं कर रहे हैं सो एक्यूमलेटर हमारा डेस्टिनेशन है एंड ए हमारा सोर्स है एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन में ये जो ऑपरेंड है ये क्या स्पेसीफाई कर रहा destination location है डेस्टिनेशन लोकेशन है ओके सो द ऑपरेंट स्पेसीफाइज द डेस्टिनेशन लोकेशन ओके सो यहाँ पे लोकेशन इज द डेस्टिनेशन एंड एक्यूमलेटर इज द सोर्स सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोर इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए ओके okay? नेक्स्ट आते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन जिसमें एड्रेस फील होती ही नहीं है इसमें सिर्फ कोड होता है देर इज नो एड्रेस फील ओके यूज करते हैं इट डज नॉट यूज एन एड्रेस फील्ड मीन इंस्ट्रक्शन में एड्रेस फील्ड होती नहीं है इंस्ट्रक्शन लाइक एड मल्टीप्लाई ये सब में नहीं होता एड्रेस बट जो पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट आर यूज टू कम्युनिकेट विद द स्टैक ठीक है दे नीड एन एड्रेस फील्ड उन्हें कुछ ना कुछ एड्रेस फील्ड चाहिए ताकि ये ऑपरेंट्स को पुश कर सके स्टैक में और उसमें से पॉप कर सके सो पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन हाउ एवर नीड एन एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई ऑपरेंट ऑपरेंट को स्पेसिफाई करने के लिए इन्हें एड्रेस फील्ड चाहिए टू कम्युनिकेट विद द स्टैक दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट कन्वर्टेड इंटू द रिवर्स पॉलिश नोटेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट फिक्स नोटेशन इसे हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्यों कह रहे हैं बिकॉज देर इज़ अ ऑफ एन एड्रेस फील्ड। यहाँ पे बिकॉज लिख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल सेम हम लेते हैं अगर इसे हम कैसे शो करेंगे स्टैक सिस्टम uh, के थ्रू और वी कैन से ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मैट इसमें हम कैसे शो करेंगे ना इसमें सबसे पहले पुश ए करेंगे मीन्स ए की वैल्यू पुश करेंगे स्टैक में ओके देन पुश बी करेंगे बी की वैल्यू पुश करेंगे देन ऐड करेंगे इनो दोनों को ऐड कर देंगे एंड दोनों की एडिशन वैल्यू ए प्लस बी जो भी आएगा उसे हम बाद में पॉप कर देंगे और पॉप करके हमें किस लोकेशन पे डालना है लोकेशन सी पे सो so, इसका इक्विलेंट एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे अगर हम पुश करते हैं ए जब हम ए पुश करते हैं तो टॉप ऑफ द स्टैक में ए रहेगा अगर बी पुश करते हैं तो टॉप ऑफ द स्टैक में बी आएगा देन दोनों की वैल्यू एड होगी देन उसे हम पॉप कर लेंगे ओके okay, अगर हमें शो करना है स्टैक वेल्यूशन ऑफ ए प्लस बी सो सबसे पहले जब ए आएगा ए पुश होगा तो टॉप ऑफ द स्टैक में ए रहेगा जब बी पुश होगा तो टॉप ऑफ द स्टैक में बी आ जाएगा अब हमें एडिशन परफॉर्म करना है जैसे ही प्लस आया मींस ऐड करना है तो दोनों जो टॉप ऑफ द स्टैक में टॉप एलिमेंट और उसके नीचे वाला एलिमेंट ये दोनों एडिशन परफॉर्म होगा और, ए, और इसके बदले उनका रिजल्ट सम होकर जो भी आएगा वो आ जाएगा देन बाद में हम इसे पॉप कर लेंगे पॉप करके सपोज सी में हमने डाल दिया ओके okay? सो so, अगर नंबर्स के फॉर्म में करें सो सपोज फाइव प्लस सेवन करना है तो फाइव सबसे पहले हमने पुश किया देन ये टॉप ऑफ द स्टैक में है दिस एरो एरोज द टॉप ऑफ द स्टैक ओके टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस कहाँ स्टोर होता है देर इज वन रजिस्टर इन द स्टैक ऑर्गनाइजेशन कंप्यूटर दैट इज स्टैक पॉइंटर स्टैक पॉइंटर एड्रेस रखता है सो दैट इट कम्युनिकेट्स विद द स्टैक जो कि पॉइंटर होता है टॉप ऑफ द स्टैक के लिए नेक्स्ट आपने सेवन पुश किया तो सेवन आ गया टॉप ऑफ द स्टैक पे नाउ आपको प्लस परफॉर्म करना है एडिशन परफॉर्म करना है तो सेवन प्लस फाइव मिलकर क्या हो गए ट्वेल्व हो गए नाउ लास्ट में हम इसे पॉप कर लेंगे सो दिस इज़ हाउ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थ्री एड्रेस टू एड्रेस वन एड्रेस एंड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर जरूर प्रेस कर ले एंड न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें एंड ऑल जरूर प्रेस कर लें